अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ टीम में बड़ी तब्दीली होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अब्दुल रज़ाक की एंट्री है जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अब्दुल रज़ाक की एंट्री होने वाली है। इसके अलावा जो है वो क्या हेड कोच बन गया, क्या बड़ी तब्दीलियाँ होगी, आपको तमाम तरह डिटेल से आगाह किया जाएगा कौन हेड कोच है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक पीसीबी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बन गए, जिसका ऐलान जल्द मतवक्के है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सिलेक्शन कमेटी यानी कि जो खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाता है वह जो हैं वो बन चुके हैं। ज़राए के मुताबिक चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज की कॉल पर जो है वो अब्दुल रज़ाक ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात की। इस मौका पर उन्हें क्रिकेट की बेहतरीन में मावनत की पेशकश कर दी गई, जो उन्होंने कबूल कर ली है। जी हाँ दोस्तों, अब्दुल रज़ाक ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर से भी तबादला ख्याल किया। वो सिलेक्शन कमेटी में शामिल होने के साथ नौजवान क्रिकेटरों की कारकर्दगी में निखार लाने के लिए भी अपने तजर्बे का इस्तेमाल करेंगे। अब्दुल रज़ाक के जो करीबी हलकों ने इनकी पीसीबी के साथ वाबस्तगी की तस्दीक कर दी है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा जो है इतलात के मुताबिक जो है वो बोर्ड हकाम दीगर साबिक क्रिकेटर्स के साथ भी जो है राबता करके काम करने पर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो इमाद वसीम की बात की जाए तो इमाद वसीम की भी वापसी है। पीसीबी बोर्ड ने उन्हें जो है अपने पास बुलाया और कायल किया कि वो अपनी रिटायरमेंट वापस लें। इसके बाद जो है उनका ऐलान किया जाएगा, वो बताएंगे कि उन्होंने रिटायरमेंट लेनी है या नहीं, लेकिन उन्हें बुलाया गया था। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करते हैं कि हेड कोच कौन बने। दोस्तों अभी तक कोई भी मालूमात सामने नहीं आई। शेन वाटसन से भी रब्ता किया, उन्होंने भी ना इजहारी का जवाब दिया। इसके अलावा जो है वो अब्दुल रज़ाक सिलेक्शन कमेटी के मेंबर बन गए हैं। इसके अलावा जो है वो टीम में बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं, क्योंकि कैंप में जो है वो खिलाड़ियों को बुलाया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है, उन्हीं में से जो है वो टीम का इंतखाब हो। दोस्तों आप जो है अब्दुल रज़ाक के सिलेक्शन कमेटी पर बनने पर क्या कहेंगे, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।